मॉर्निंग माई लवली चिल्ड्रेन, हाउ आर यू? आई थिंक वी आर फाइन। अब हम लोग डेली की तरह आज भी क्लास, आप ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं, क्लास की सब्जेक्ट हिंदी और टॉपिक है आपका मन की सफाई, चैप्टर है 4 और पेज नंबर है 20। पेज नंबर आपका है 23। यहाँ पेज नंबर डाल दिया जाता है जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। पेज नंबर 23। बच्चों, कल हम लोगों ने सही विकल्प पे सही कर चिन्ह लगाइए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए कंप्लीट किया था। सही के सामने सही तथा गलत के सामने क्रॉस का निशान लगाया था। 3 एक्सरसाइज हम लोगों ने कल कंप्लीट कर ली थी। तो आज हम लोग बुक वर्क में सप्त बोध को कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों को स्पष्ट कीजिए। तो शब्दों को स्पष्ट करना है तो एक शब्द दिया है, इसको विस्तृत रूप से आपको बताना है। जैसे कुटुंब, कुटुंब देख कर लग रहा है, कुटुंब मीन्स क्या होता है? देखिए, एक ही कुल या परिवार के वे लोग जो सब मिलकर एक साथ रहते हैं, उन्हें कुनबा खानदान भी कहा जाता है। जैसे कुटुंब को का अर्थ कुनबा और खानदान भी होता है। उपकारी, उपकारी मीन्स दया भाव की भावना जिसके अंदर हो, सहयोग करने की बात आती हो। जैसे जीवों, जीवों या प्राणियों के हित के लिए उन्हें कष्ट, पीड़ा, संकट आदि से बचाने के लिए अथवा उनकी सुख सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए किए जाने वाला कार्य उपकारी कहलाता है। जैसे फिर आते हैं तीसरे पे, रहस्य मीन्स होता है भेद या गुप्त, गुप्त की बात। जैसे वह बात जो सबको बतलाई न जा सकती हो। फिर आते हैं रहस्य पे, वह बात जो आपको बतलाई न जा सके कुछ विशिष्ट लोग ही जानते हैं। जैसे कि इसको सार्वजनिक रूप से ओपन न किया जा सके, कुछ लोगों तक ही रहे, वो भी विशिष्ट जो उस बात को समझे, जाने और जानने के अधिकारी माने या समझे जाते हैं, उन्हें गुप्त, उन्हें रहस्य कहते हैं। गुप्त या भेद की बात उसका अर्थ है। बच्चों, फिर आते हैं निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। व्यर्थ है तो अव्यर्थ हो जाएगा। फिर जीवन है तो मृत्यु या मरण, प्रश्न है तो उत्तर, पराया है तो अपना। चलिए अब हम लोग ब्लैक बोर्ड के थ्रू आपको राइट कराते हैं, जिसे आप अपनी बुक में पेंसिल के थ्रू कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शब्द बोध यहाँ बच्चों, यहाँ पे लिख दिया जा रहा है शब्द बोध। देखिए पहला क्या है, कुटुंब। इसको राइट करिए, एक ही कुल या परिवार, परिवार के वे लोग, के वे लोग, वे लोग जो जो सब मिलकर एक साथ
एक साथ रहते हैं उन्हें कुटुंब कहते हैं। फिर इसको कुंभा या खानदान देखिए कुटुंब एक ही कुल या परिवार के वे लोग जो सब मिलकर एक साथ रहते हैं कुटुंब कहलाते हैं। इनको कुंबा और खानदान भी कहा जाता है। जैसे कुंबा नया शब्द है, कुटुंब भी नया शब्द है, तो इसका जो डिटेल है ये है, स्पष्ट है, यही है। फिर उपकारी उपकारी जीवों या प्राणियों प्राणियों के हित के लिए किए जाने वाला। देखिए जीवों जो हमारे पृथ्वी पर जीव जंतु हैं या प्राणियों के लिए, इसमें दोनों के लिए जोड़ा गया है कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु और प्राणी हैं उनके हित के लिए, उन्हें कष्ट पीड़ा एवं संकट आदि से बचाने के लिए, फिर उनके सुख सुविधाओं में वृद्धि, उनको इससे बचाना भी है प्लस उनको सुख सुविधा भी प्रदान करना है के लिए किए जाने वाला कार्य उपकारी है। राइट कर लीजिए। फिर हमारा लास्ट है रहस्य, मिस भेद भी बोलते हैं और गुप्त गुप्त और भेद की बात भी बोला जाता है।
फिर बच्चों तीसरा है रफर्श। वाह 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 वाह, जो सबको सबको वह बात जो सबको बतलाई ना जा सके, न जा सके बतलाई ना जा सके,
व्यर्थ का अव्यर्थ, प्रश्न का उत्तर और जीवन का मरण और या मृत्यु, और तीसरा है घ, चौथा है घ पराया का अपना। आप इसको अपने बुक में लग कर लीजिए, ये बुक वर्क है बच्चों, बुक वर्क है। आप लोग लिख लिए होंगे इसलिए इसको हम इरेज कर रहे हैं। फिर आते हैं देखिए दूसरे नंबर में, सेकेंड नंबर में देखिए निम्न मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका प्रयोग वाक्यों में कीजिए। तो पिंड छुड़ाना, क है पिंड छुड़ाना, उसका अर्थ हो जाएगा पीछा छुड़ाना। फिर ख है ढोते फिरना, मिस उसका अर्थ हो जाएगा बोझ उठाना। गले का हार बनाना का अर्थ होगा अत्यधिक प्रिय होना। ठाट से रहना का अर्थ होगा ऐसो आराम पाना। ये हो गए उनके अर्थ। अब उनका वाक्यों में प्रयोग करना है बच्चों, वाक्य में उनका प्रयोग करके इसको लिखना है। जैसे पिंड छुड़ाना है तो वह उस बूढ़े से पिंड छुड़ाकर जाना चाहता था। फिर ढोते फिरना, बूढ़ा व्यक्ति बुराइयों को ढोते फिरता था। गले का हार बनाना, अत्यधिक प्रिय होना, तो स्वर्ण कुमार अपने माता पिता के गले का हार थे। फिर ठाट से रहना, दोनों व्यक्ति अपने अपने झोलों की सफाई करके ठाट से रहने लगे। इसको हम ब्लैकबोर्ड पे आपको लिखवा दे रहे हैं और इसको आप लर्न करेंगे। कभी कभी मुहावरों का वाक्य प्रयोग देता है और कभी कभी अर्थ के साथ वाक्य प्रयोग देता है। ये बात आप जब भी एग्जाम देने बैठे तो इसमें ध्यान दें कि उसका अर्थ लिखना है या तो वाक्य प्रयोग सीधे करना है। तो यहाँ पे हमें क्या देना है, मुहावरों के अर्थ लिखना है। तो अर्थ लिखकर उनका प्रयोग वाक्यों में कीजिए। अब बताइए पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, कौन सा था, मैंने बताया आपको, आप बुक में देख रहे होंगे। पिंड छुड़ाना, पिंड छुड़ाना, पिंड छुड़ाना का अर्थ होगा पीछा
सुनाना। देखिए ये हो गया मुहावरा, ये हो गया। देखिए यहाँ पे हम डाल सकते हैं मुहावरा, यहाँ पे और डाल सकते हैं, और यहाँ पे वाक्य प्रयोग डाल सकते हैं। तो जब भी आप अपनी कॉपी में या पेपर में इस तरह से लिखें तो अच्छा सिस्टम तो बच्चों यही होता है कि और उसका वाक्य प्रयोग तीनों अलग अलग करके लिखा जाए, लेकिन बुक में ऐसे नहीं दिया हुआ है तो हम उसका वाक्य प्रयोग करते हैं। व्यक्ति व्यक्ति बूढ़े से पिंड पिंड छुड़ाना। धोते धोते फिरना फिरना धोते फिरना। तो धोते फिरता था। फिर आते हैं ग पे गले का हार। का हार बनाना। के गले का हार के। तीसरा लास्ट वस्तु वह देखिए हाथ से से
जलना, ऐसो आराम करना, ऐसो आराम करना। दोनों व्यक्ति अपने झोले की सफाई यहाँ पे बच्चों आप लोग को नहीं समझ में आएगा, इसलिए इसको हम इरेज करते रहते हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं, एंड लिख दे रहे हैं। घर देखिए ठाट से क्या पूछ रहा है, ठाट से रहना, ठाट से रहना का है, ऐसो आराम, ऐसो आराम पाना। तो इसका वाक्य प्रयोग है दोनों व्यक्ति, दोनों व्यक्ति अपने 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 झोलों झोले की सफाई करके अपने अपने झोलों की झोले की सफाई करके हाथ से रखने लगे। देखिए एक बात आपको फिर से रीडिंग कर दे रहे हैं जिसको आपको समझने में आसानी रहे। हमारा वाक्य क्या है, क देखिए पिंड छुड़ाना का अर्थ है पीछा छुड़ाना। तो इसका वाक्य प्रयोग है बच्चों दूसरा व्यक्ति बूढ़े से पिंड छुड़ा कर जाना चाहता था, ये हुआ क। फिर ख पे आते हैं धोते फिरना, बोझ उठाना, इसका अर्थ है वाक्य प्रयोग है बूढ़ा व्यक्ति बुराइयों को धोते फिरता था। फिर ग का देखिए गले का हार बनाना, तो इसका वाक्य प्रयोग है अत्यधिक प्रिय होना, और इसका वाक्य ये अर्थ हुआ और वाक्य प्रयोग हुआ सुवर्ण कुमार अपने माता पिता के गले का हार थे। ये आपका ग हुआ। अब देखिए ख हमारा ऊपर है, ख स्पेस नहीं था कि नीचे नहीं लिख पाए हैं। ख देखिए ठाट से रहना, इसका अर्थ है ऐसो आराम पाना, और वाक्य प्रयोग है दोनों व्यक्ति अपने अपने झोले की सफाई करके ठाट से रहने लगे। ये हमारा वाक्य प्रयोग हुआ।
बच्चों कल आपको शब्द और क्वेश्चन आंसर कॉपी वर्क में कंप्लीट करा दिया जाएगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर कल आपके वीडियो में अदर्स एक्सरसाइज कंप्लीट कराई जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए बच्चों थैंक यू, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लर्न कराया जाता है, राइट कराया जाता है, उसको आप लर्न करिए। थैंक यू बच्चों, सी यू टुमारो, बाय बाय।